हेलो फ्रेंड्स, टारगेट वर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि हम टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी बेस पर जैसे कि मैं रोज अलग अलग टॉपिक लेकर आती हूँ। चाइल्ड साइकोलॉजी का लेकर आई थी जिसमें फर्स्ट चैप्टर था, आगे हम चैप्टर टू डिस्कस करेंगे, यानी कि दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ में हम सारे टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। तो जैसे आज मैं डिस्कस कर रही हूँ साइंस, जो साइंस का चैप्टर है, मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर्स में ब्लड के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम ब्लड का टॉपिक ही डिस्कस करेंगे, ह्यूमन ब्लड। तो आइए देखिए ह्यूमन ब्लड को डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, हम ह्यूमन ब्लड में देखते हैं ये एक लिक्विड लिविंग टिश्यूज होता है, जिसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। जो पर्सन का वेट होता है उसका 7% ब्लड होता है, यानी कि हमारा वेट अगर 50 kg उसका 7% जो होगा वो ब्लड का वेट होगा। पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये अल्कलाइन होता है, यानी कि क्षारीय होता है। क्षारीय हम बता दें किसे कहते हैं, अगर 7 से अधिक होता है तो पीएच वैल्यू वो क्षारीय होता है, अगर 7 से कम होता है तो उसको एसिड बोलते हैं। तो जो ब्लड का पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है, इसको इसलिए हम क्षारीय बोलते हैं, यानी कि अल्कलाइन बोलते हैं। अगर एवरेज देखिए ह्यूमन बोर्ड में ब्लड तो कितना होता है, 5 से 6 लीटर ये एवरेज होता है, जबकि वुमेन में 0.5 लीटर कम होता है। जब तो बोला जाता है कि हीमोग्लोबिन जो है पर्सन का यानी कि मैन का 14 होना चाहिए और वुमेन का 12 तक भी चल जाता है। देखिए अगर बात करें ब्लड सर्कुलेशन की, वो किसके थ्रू होता है, वो हार्ट के थ्रू होता है। देखिए ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो ये हार्ट के थ्रू होता है, क्योंकि हार्ट जो हमारा होता है वो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। इसी के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में रक्त का संचार होता है, केवल हृदय ये करता है, तभी तो बोलते हैं कि हार्ट अटैक अगर आ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है हार्ट से और डेथ हो जाती है। देखिए हार्ट जो है हर 23 सेकंड में पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कर देता है, और इसमें जो पार्ट काम आते हैं वो ब्लड ब्लड के जो टाइप होते हैं वो ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है, जैसे आप लोग जानते हैं। तो देखिए एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं ब्लड में, एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड कॉर्पल्सल्स होते हैं। प्लाज्मा की अगर हम बात करें, ये नॉन लिविंग लिक्विड पार्ट है, ये देखिए नॉन लिविंग लिक्विड पार्ट है जिसका 60% का ब्लड, यानी कि ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है और बाकी का रिमेनिंग जो 40% होता है वो ये आपका ब्लड कॉर्पल्स होता है, जिसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूसी या अंदर ब्लड प्लेटलेट्स आती है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं हीमोग्लोबिन में प्लेटलेट्स काम करती हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो इसमें 90% तो वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होते हैं और 0.1% ग्लूकोज होता है। वर्किंग अगर हम प्लाज्मा की देखें तो वर्किंग देखें, जो हमारे बॉडी में डाइजेस्टेबल चीजें हैं यानी कि भोजन को ये पचाता है, हार्मोन का बॉडी में सहन करता है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है और हार्मोन्स है उसे बॉडी तक पहुंचाता है, और दूसरा क्या होता है ये खून को जमने से बचाता है। तो देखिए जरा प्लाज्मा अगर नहीं होगा तो खून जम जाएगा, और खून जमने के से क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नसें हैं उनमें खून का संवहन नहीं होगा, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो कुछ अनहैपनिंग होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए ये ब्लड कॉर्पल से ये हम डिस्कस करते हैं, तो पहले ये बता देते एक सीरम होता है। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर एक फ्राइबिनोजेन प्रोटीन होता है, अगर हम उसको निकाल दें तो जो बचा हुआ प्लाज्मा होता है उसको सीरम बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर एग्जाम की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ह्यूमन बॉडी का कितना परसेंट वेट होता है ब्लड का, वो है 7%। पीएच वैल्यू पूछ सकते हैं और एवरेज वेट भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यानी कि इसी के आरबीसी और डब्ल्यूसी को डिस्कस करते हैं। देखिए ये है आरबीसी, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करें आरबीसी किसमें होता है, तो देखिए मैमल्स में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि आरबीसी तो सभी में होता है, लेकिन मैमल्स जो होते हैं यानी कि स्तनधारी जो होते हैं वो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और ये जो न्यूक्लियस नहीं होता तो ये गोलाकार केंद्रित हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं। लेकिन जैसे कि अपवाद तो हर एक चीज में बना होता है, आप सब जानते हैं सभी चीजों में अपवाद होता है, तो मैमल्स में भी अपवाद है, यानी कि ऊंट और लामा ऐसे मैमल्स है जिनमें आरबीसी में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। अभी आप ये कहोगे कि ये न्यूक्लियस क्या होता है, तो मैं बता दूं ये जो केंद्र होता है ये एक जालीनुमा स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम डीएनए भी बोलते हैं, और ये डीएनए जो है वो मैमल्स में पाया जाता है, तभी तो हम कहते हैं कि डीएनए चेक करवाते हैं। तो आगे इसमें देखिए कि अगर बात करें केंद्रक की तो और क्या होता है, ये जो केंद्रक होते हैं ये क्रोमोसोम्स की संरचना के होते हैं जाल फैले हुए। तो ये क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में भी, मैंने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि
मानव में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो ये आंसर होता है 23 जोड़ा या 46। इसी तरीके से अगर चिंपांजी में बात करें क्रोमोसोम्स की तो ये होते हैं 24, और अगर बंदर में बात करें तो 21 जोड़ा होता है। लाइफ देखिए, ये आरबीसी कितनी होती है, 20 से लेकर 120 डेज। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ क्या है आरबीसी की, ये 20 से लेकर 120 डेज है। बनता कहाँ है, तो अब ये देखिए, ये बोन मैरो में बनता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी की टाइम पर ये लीवर में बनता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन और B12 और फॉलिक एसिड जो है इसे हेल्प करते हैं बनने में आरबीसी को। डेथ देखिए कहाँ हो जाती है, क्योंकि 120 दिन के बाद तो ये खुद खत्म हो जाएंगे, तो ये लीवर और स्प्लिन में खत्म होते हैं, इसलिए आरबीसी की कब्र बोली जाती है लीवर को और स्प्लिन को। आरबीसी का मतलब जैसे आप जानते हैं, क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनको होमोग्लोबिन बोला जाता है, तो इसमें हेमटेन यौगिक होता है जिसको बोलते हैं हीम, यानी कि ये जो रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन का वो हीम डाई के थ्रू होता है, और इसमें ग्लोबिन का मतलब होता है आयरन प्रोटीन रिएक्ट करती है जो CO2 और O2 से। तो देखिए वर्किंग क्या होगी अगर हम आरबीसी की बात करें, तो इनका काम क्या है, यानी कि सेल्स का काम क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाना बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमें ऑक्सीजन जो है बहुत जरूरत पड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो सेम इनका काम क्या होता है आरबीसी का, वो ऑक्सीजन पहुंचाना और सीटों को छोड़ना। आरबीसी कमी से आप जानते हैं एनीमिया रोग हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आरबीसी जो है सोने से 5% लेस हो जाती है, और 4200 मीटर की हाइट पर आरबीसी में 30% का इंक्रीमेंट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, हीमोसाइटोमीटर जो है वो आरबीसी को नापने का काम आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा WBC होता है, रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम पढ़ चुके। अब देखिए इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, जो कि 2 से 4 दिन इनकी लाइफ होती है, और डेथ ब्लड में ही हो जाती है। देखें तो कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है, लाइफमेन में बनती है, लीवर में बनती है, स्प्लिन में बनती है। इनका जो शेप होता है वो अमीबा की शेप का होता है, और इसमें केंद्रक होता है यानी कि न्यूक्लियस होता है, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। वर्किंग जो मेन इसकी है वो जो डिसीजेस होती हैं या जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे बचाना इसका काम होता है। 60 से लेकर 70% न्यूट्रोफाइल्स होती हैं इसमें। और अगर हम रेशो, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत पूछा जाता है कि आरबीसी और WBC में रेशो कितना होता है, 600:1 रेशो होता है। थर्ड जो इसका टॉपिक आता है वो प्लेटलेट्स होती है। जैसे आजकल आप सभी जानते हो कि डेंगू जब बीमारी होती है तो प्लेटलेट्स घट जाती हैं, और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप प्लेटलेट्स के एक बारे में भी बता दूं कि अगर प्लेटलेट्स में क्या होता है, जितनी वो घटती जाती है तो ब्लड पतला हो जाता है और वो कहीं से भी बाहर आने लगता है। तो ये बता दूं, क्योंकि ये ह्यूमन और मैमल्स दोनों में पाई जाती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी की तरह ही होता है। प्लेटलेट्स को आप बढ़ा सकते हैं, तो आप सब जानते हैं आजकल ग्लॉय वगैरह चल रहा है सब बढ़ाने के लिए प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स में अगर कमी होती है तो बोन मैरो में बनती है, डेथ इसकी 3 से 5 दिन तक हो जाती है, और स्प्लेन में ही डेथ होती है। वर्किंग क्या होती है, मेन ब्लड कोटिंग होती है, इसलिए कहते हैं कि अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो ब्लड पतला हो जाता है और बाहर आने लगता है, क्योंकि ब्लड कोट नहीं कर पाता, ब्लड कोटिंग नहीं हो पाती। एक इक्वेशन है ब्लड कोटिंग की, आप देखिए कि थर्मोप्लास्टिन, थर्मोबीन और कैल्शियम तीनों मिलकर थर्मोबिन बनाते हैं। थर्मोबिन फाइब्रिनोजेन को मिलाकर फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन ब्लड कैप्सूल से क्लोटिंग करता है। यानी कि ये देखिए ये इम्पोर्टेड है, दो इसकी ये रिएक्शन, यानी कि थ्रोमोबिन और फाइरोजेन, ये इम्पोर्टेड है, ये दोनों लीवर में बनते हैं और विटामिन के साथ वर्क करते हैं। इसका जो पूरा यानी कि ब्लड कोटिंग जो होती है 2 से 5 मिनट के अंदर हो जाती है। मेन देखिए जो इम्पोर्टेड है वो है ब्लड ग्रुप। आप जैसे जानते हैं कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है ब्लड ग्रुप का, कि सर्वग्राही कौन सा, सर्वदाता कौन सा है। तो यहाँ मैं बता दूं, देखिए आरबीसी है, ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीजन है। अगर हम बात करें तो ओ जो है वो सब भी को दिया जा सकता है। देखिए दो चीजें होती है, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होती है। ए में देखें तो एंटीजन ओनली ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। बी में ओनली बी एंटीजन होता है और ए एंटीबॉडी होता है। ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होता, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता और ए और बी एंटीबॉडी होती है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखिए आप कैसे होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ए को ए का ब्लड दिया सकता है, बी को बी का दिया सकता है। ए भी एक यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, यानी कि कोई भी इसमें एंटीबॉडी नहीं होता और ये सबको ग्रहण कर लेता है, यानी कि सबसे ले लेता है। ओ जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, केवल खुद का ले सकता है और सबको दे सकता है, नो एंटीजन होता है। तो आई होप ह्यूमन ब्लड पर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे बताते रहिए आपको कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।